आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मी और प्रबंधन के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने बुधवार को सुबह अपनी कमर में पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की गई कि उनका वेतन जारी किया जाए। आईजीएमसी सुरक्षा यूनियन के महासचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि उन्हें वेतन को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि हाईकोर्ट ने भी 7 तारीख तक वेतन देने का निर्देश दिया है, बावजूद इसके उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षा यूनियन के एक मांग पत्र आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर को सौंपा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशासन की लापरवाही उन पर भारी पड़ रही है, जिसके कारण उन्हें घर चलाने में काफी मुश्किलें भी हो रही है। आज हम समस्त सुरक्षा कर्मचारी वेतन को लेके खड़े हैं, जो पट्टी बांध के हमने आज ये जो रोष प्रकट किया है। जब हमने जय हिंद बोलने की बात की तो हमें रोका गया, जब रोकने के बावजूद हमने मीडिया में कल दिया तो इस वजह से जय हिंद बोलने की वजह से हमारी जो वेतन भी रोका गया है। आज 7 से 8 तारीख हो गई है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश है कि 7 तारीख तक सभी मजदूरों का जो वेतन है वो समय पर दिया जाए।